नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आतंकी हमले के बाद रूस की दो टूक, कहा भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निभाएंगे बड़ी भूमिका। आयकर विभाग ने अब थमाया 3567 करोड़ का नोटिस। तिलमिला उठी कांग्रेस, भाजपा का भी पलटवार। रील्स बनाने की दीवानगी, दिल्ली के यूट्यूबर का खतरनाक स्टंट। फ्लाईओवर पर कार खड़ी कर जाम की सड़क, पुलिस ने चखाया मजा। हमें इसराइल हमास युद्ध रोकने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहिए, अमेरिकी सांसद ने दिए विवादित बयान। कर्नाटक में येडियुरप्पा का दबदबा कायम, भाजपा ने फिर जताया भरोसा। लालकृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, राष्ट्रपति ने घर जाकर किया सम्मानित। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव 2024, बढ़ रही पॉपुलैरिटी, द इकोनॉमिस्ट ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा तीसरी बार मोदी सरकार। कांग्रेस का मकसद केवल इस देश को तोड़ना है, अमित शाह ने भी कच्चा तीवू दीप विवाद पर पीएम मोदी की तरह कांग्रेस पर बोला हमला। वित्त वर्ष 2024 में स्मॉल कैप शेयरों में 63% की हुई बढ़ोतरी। रमजान में सारा अली खान ने मंदिर के बाहर जरूरतमंदों को बांटा खाना, पैपराजी को शूट करता देख बुरी तरह भड़की एक्ट्रेस। नवाज शरीफ का ये विश्वास पात्र नेता बनेगा पाकिस्तान का वित्त मंत्री, चार बार पहले भी संभाल चुके हैं देश की अर्थव्यवस्था। चिकन कढ़ाई को ठीक से न पकाने पर ससुराल वालों ने महिला को इमारत से दिया धक्का। मोदी सरकार ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां, नए टेलीकॉम बिल के पास होने पर प्रियंका गांधी ने लगाई गंभीर आरोप। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में टॉपर की लिस्ट जारी, पूर्णिया के शिवांकर बने टॉपर। पहले सीएम डिप्टी सीएम को माफिया कहो फिर बात करो, मुख्तार अंसारी को लेकर भड़के सपा विधायक, खूब आ रहे वीडियो। लोकसभा चुनाव 2024, कोई सम्मान नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट एससी विंग के अध्यक्ष एआईएडीएमके में शामिल। 8 साल तक हिंदू युवती से किया दुष्कर्म, स्कूल प्रबंधक की बेटी ने नशा देकर भाई से कराया था दुष्कर्म, 13 साल की थी पीड़िता। कांग्रेस अब मनमोहन सिंह से माफी मांगे पीएम मोदी, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने बंद की जांच, तो बोली कांग्रेस। ओवैसी की एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल की अपना दल ने मिलाया हाथ, 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।